राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? और मैं रिंकन स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बाके बिहारी कनपुरिया ब्लॉगर में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था मैंने मॉर्निंग से, और ये जो व्यू मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं अपनी बुआ के यहाँ गई हुई थी 3 दिन पहले, तो ये वहाँ का है। आप में से जो भी लोग कानपुर में रहते हो, मेरे वीडियो वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको आइडिया है कि ये व्यू, मतलब ये सीन कहाँ का है। और मैं अपनी बुआ की टेरेस पर गई हुई थी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कैप्चर कर लिया और आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। तो प्लीज़ बताइएगा आप लोग में से जो भी यहाँ के हों और मेरे वीडियो वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने ना सुबह से ही मेरा रूटीन चालू हो गया था। एक्चुअली मेरा घर बहुत खुला खुला सा है, आप लोगों ने तो देखा हुआ है, तो इतनी धूल मिट्टी आती है ना कि कितनी भी सफाई कर लो नहीं टिकती है। और बस फिर पर्दे वगैरह भी चेंज करने थे, मशीन भी लगानी थी, और मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद ही मैं ये सब काम कर पा रही थी, झाड़ू पोछा पहले हो चुका था। और ये नाश्ते में उपमा बना हुआ है, मैंने पूरा कायदे से आप लोग के साथ में शेयर नहीं किया हुआ है। और आज मुझे गमलों में मिट्टी भी डालनी थी, मैंने मिट्टी मंगवाई हुई थी, मुझे मशीन भी चलानी थी, पर्दे भी चेंज करने थे, और डीप क्लीनिंग की हुई थी मैंने घर की, दोनों कमरों की, और बहुत ज़्यादा थक गई थी। बट लेकिन मिट्टी मैंने किसी से मंगवाई हुई थी तो मिट्टी भी आ गई, तो मैंने कहा चलो अब लगे हाथ ये काम भी कर लेती हूँ। तो पूरा दिन फिर मैं ना ही कपड़े चेंज कर पाई और कुछ भी नहीं, बस वही नहाने के बाद मैं गाउन पहने हुई थी, तो उसी वही पूरा दिन ऐसे ही मेरा काम करते करते निकल गया। और ये तुलसा जी के गमलों में मिट्टी काफ़ी कम हो गई थी तो मैं उसमें मिट्टी डाल रही हूँ, और दो गमले में रखे हुए हूँ तुलसा जी के, दोनों में ही मिट्टी थोड़ी कम थी, तो मैंने कहा चलो दोनों में मिट्टी पहले डाल देती हूँ। देखिए दोनों गमले मैंने मिट्टी से फुल कर दिए हैं, और दो गमले खाली रखे हुए थे उनमें भी मैंने मिट्टी भर दी है। एक गमला था तो उसका प्लांट था जो वो सूख गया था, तो उसको भी मैंने मतलब नाइफ की हेल्प से, खुरपी थी पर मिल नहीं रही थी कहाँ रखी थी, ये गमला है वो, तो इसकी मिट्टी सूख गई थी तो मैंने इसकी मिट्टी गोड़नी थी, तो पानी डाल के फिर मैंने इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे नाइफ की हेल्प से अच्छे से गोड़ दिया था। और ये खाली गमले रखे हुए थे तो इसमें मैंने मिट्टी भर दी थी। अब देखती हूँ इसमें मैं कौन से पेड़ पौधे लगाऊंगी। और बस इवनिंग का टाइम हो गया था, सवेरे का करते करते एक काम छोड़ू दूसरा पकड़ू, बस ऐसे ही कर रही थी मैं, मतलब ना कोई काम मेरा पूरा ही नहीं हो पा रहा था। फिर एट लास्ट मुझे काम अपना बंद ही करना पड़ा क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना हुआ था। और ये ना क्यारी है जो घर के अंदर छोटा सा गार्डन बना हुआ है, तो ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ना यहाँ पर मुझे मेथी, धनिया और लहसुन वगैरह लगाना है, तो देख रही थी यहाँ की मिट्टी, मतलब पानी तो रोज़ लगाया जाता है बट मौसम ऐसा हो रखा है तो मिट्टी सूख जाती है, तो आज मैं रात शाम को इसमें पानी लगा दूंगी और फिर इसको मैं नेक्स्ट डे इसमें अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करूंगी, फिर इसमें बीज डालूंगी। और ये देखिए मैं आपको मटके दिखा रही हूँ, ये मटके ज़रूर हैं बट ये गिलहरी के घोंसले हैं इनमें, और मेरे घर में चिड़िया के भी घोंसले बने हुए हैं। है? कुछ नहीं, साइकिल तेज हो रहा है, बाहर निकल गया। दो मिनट खड़े हो, कुछ काम कर रहे हो। आ वहाँ से आकर्षित बार साइकिल चलानी चले गए हैं। मैं आंगन में आई हुई थी, कपड़े वगैरह जो सूख गए थे उन्हें हटा रही थी, और मशीन को मैंने आज पूरा साफ़ किया था, अंदर से बाहर तक डीप क्लीन किया हुआ था, और इसका कवर आ गया था मशीन का, ये मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे, ये देखिए। तो मुझे पूरी मशीन क्लीन करके फिर इसमें कवर डालना था, पहले जो कवर था वो फट गया था बट इस कवर की प्लास्टिक बहुत अच्छी है, ये कवर थोड़ा सा हैवी भी था और वो वाला कवर नहीं था, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मशीन बहुत गंदी होती थी, सफाई कितनी भी कर लो पर रहती नहीं थी, एक तो खुला हुआ आंगन है तो बहुत धूल मिट्टी जाती थी, बट अब कोई नहीं, अब सब ठीक है। और बस उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, मैंने आपसे बताया ना एक काम छोड़ रही थी, एक काम पकड़ रही थी, मेरा काम ही नहीं कोई पूरा हो पा रहा था, तो बस फिर बेडशीट भी डालनी बाकी थी और मैंने डस्टिंग वगैरह की हुई थी तो बेडशीट वगैरह सब हटा दी थी, तो मैंने कहा चलो अब बेडशीट डाल देती हूँ और मुझे बाहर भी जाना था, तो
दोनों कमरे मेरे मतलब अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब हो जाता है कभी कभी काम, मतलब इतना ऐसा हो जाता है और मतलब मन भी ऐसा हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता क्या करे, कहाँ से करे, कहाँ से ना करे। और मिट्टी भी आ गई थी तो मुझे गमलों में भी मिट्टी डालनी थी। और बस अब मैं थोड़ा सा अपने बाल वगैरह बांध लूँगी, थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, मार्केट जाना था मुझे, बट मार्केट नहीं जा पाई और जहाँ मुझे जाना था वहाँ तक चली गई थी। बस वापसी में मैंने ना मेरी डेली वाली स्लीपर टूट गई थी तो मुझे वो स्लीपर लेनी थी, तो मैं बस वो स्लीपर ही लेके आ पाई थी, अदरवाइज कुछ भी नहीं ले पाई मैं। और बस शाम की दियाबाती भी हो गई है मेरी। मेरे बाकी बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजरे तो ही लगी जाएगी। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और बाकी भी आदि फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। शाम की दियाबाती हो चुकी है, ये देखिए मेरे लट्टू गोपाल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कितने सुंदर लग रहे हैं लट्टू गोपाल, लट्टू गोपाल होते ही इतने सुंदर हैं। और आज ना मैंने काम तो बहुत किया पर आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा भगदड़ भगदड़ वाला वो था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और हाँ, कपड़े भी फैला दिए हैं, अभी मुझे जाना है मार्केट। और आज मैंने पेड़ों में मिट्टी भी डाली है, ये देखिए, और ये मिट्टी जो रखी हुई है, अभी कल दो तीन गमलों में पौध लगाऊंगी। और धनिया के बीज भी डालना है मुझे, धनिया भी बीजूंगी, मेथी भी, और लहसुन भी लगाऊंगी। तो देखती हूँ अब क्या क्या कर सकती हूँ कल, फिलहाल आज थकान बहुत हो गई। और देखिए कि मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने आज इस रूम के कर्टन चेंज किए थे, और वही कह रही हूँ ना, काम तो बहुत हो गया था बट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है। एक करती चली जा रही थी, पता है धूल मिट्टी गंदगी वाला सारा काम था, पूरी सेल्फ साफ की मैंने सारी, इस कमरे की उस कमरे की। और आजकल वैसे भी इतनी धूल मिट्टी हो रही है, इतनी धूल मिट्टी हो रही है क्या बताऊं। तो मेरा वैसे भी ना इधर से ये गैलरी, इतनी धूल मिट्टी आती है आंगन से भी, तो सफाई की तो आप पूछो मत, बैंड बज रखी है अच्छे से अच्छा, यहाँ पे सफाई करने वाला भी पागल हो जाएगा जैसे मैं पागल हो गई हूँ, बिल्कुल सफाई नहीं टिकती है मेरे घर में। और अभी थोड़ा सा ऐसा लुक किया हुआ है, कल इसको सोफा मेरा सही होने को पड़ा हुआ है, जैसे ही सोफा आ जाएगा तो बस इस तरफ सोफा आ जाएगा, टला पड़ा है क्या बताऊं, जो काम पेंडिंग हो जाते हैं वो पेंडिंग हो ही जाते हैं। चलिए कोई नहीं, और हाथ पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, पर्दे भी मैंने वो अब धुल के उनको रख दूंगी, और हो सकता है शायद इस बार दिवाली पे नए पर्दे ले आऊं, इस रूम के उस रूम बेडरूम के तो मैं पिछली बार दिवाली पे ही नए पर्दे लेके आई थी। और कल जब पौध लगाऊंगी और धनिया वगैरह के बीज डालूंगी ना, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मैं। और अभी जाना है थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि कहती हूँ आपसे हर बार हूँ पर नवरात की शॉपिंग हर बार मेरी छूट जाती है। और शॉपिंग क्या है, बस दुर्गा जी का ही, मेरी माता रानी का ही सामान आना है, पूरा सिंगार का सामान आना है उनका, लहंगा चुन्नी आनी है तो लेके आऊंगी। और एक लोगों के यहाँ जाना भी है तो वहाँ भी जाऊंगी। और वाइट हेयर देखिए, कोई नहीं, अगर मैं कलर कर लूँगी ना तो मेरे सारे बाल खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि ऐसे ही काम चलने देते हैं। और आज खाना भी कुछ खास नहीं रहा, खाने का भी काम, सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था उपमा, सूजी का उपमा बनाया था, वेजिटेबल्स डाली थी सारी, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज नहीं डाला था, मूंगफली के दाने डाले थे। और इनको उनमें उपमा के साथ में इनको ब्रेड भी सेक दिया था, फिर इन्होंने ही कहा था, बोले कि सब्जी ना बनाओ कुछ, दाल फ्राई कर लो अच्छी सी, और बढ़िया सी वो जो ढाबे वाली रोटी होती है ना, मोटी मोटी सी हाथ वाली, वो बना देना। तो मैंने कहा चलिए ठीक है आपका, मैंने तो वही कर देती हूँ। तो और मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मैं सच कहूँ आपको, रात को थोड़ी सी सब्जी बची थी शिमला मिर्च की,
बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी और मुझे ये सब्जी बहुत पसंद है। मैं जब भी बनाती हूँ ना, वैसे इवनिंग में ही अक्सर ये सब्जी मैं बनाती हूँ और नाइट में मतलब डिनर में, और जब बनाती हूँ ना तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, वो भी सिर्फ अपने लिए। बट इन्होंने उससे भी खा लिया था, और देखिए मुझे थकान सी लग रही है बहुत, क्या करूँ। और बेटा मेरा साइकिलिंग कर रहा है, अब वो आए लौट के तब इसके चक्कर में कहीं जा नहीं पाती हूँ, कहीं नहीं जा पाती हूँ इसके चक्कर में। क्यों, मुझे साइकिल चलाना है, मुझे साइकिल चलाना है, तो भैया साइकिल ही चलाना है तुम्हें, तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। और बताइएगा कैसा लग रहा है मेरे कमरे का ये नया लुक। लुक कुछ नहीं है, कर्टेन चेंज किए हुए हैं और बेडशीट ये वाली डाली हुई है। और दीपावली में कोशिश करूंगी कुछ नया करने की, मेरी आदत है कुछ ना कुछ खुराफात करती रहती हूँ। अच्छा लगता है थोड़ा सा घर भी बदला बदला सा लगता है, और मुझे लगता है ना जहाँ हम लोग रहें तो उतने मत भले ही दो कमरे हो या एक कमरा हो तो चेंजमेंट होता रहे, मुझे अच्छा लगता है। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है, ये सूट मैंने पहली बार पहना है आप लोगों के सामने, मतलब यूट्यूब पे मैंने पहली बार ये सूट पहना है ब्लॉगिंग करते हुए, और अच्छा लगता है काफ़ी। और हस्बैंड भी आ चुके हैं, हाँ हस्बैंड मेरे आ चुके हैं, और बस जल्दी से बेटा आ जाए फिर हम लोग चलें घूमने। ये देखिए हस्बैंड लेके आए थे बेटे के लिए, तो एक पैकेट मैंने भी खोल लिया और ये बहुत अच्छा लगा मुझे है, ये नूडल्स। और अच्छा लगा बैठे बैठे, आज इसको मैंने पहली बार खाया है और ये इस तरह से है, अच्छा लगा काफ़ी, अच्छा टेस्ट है इसका। और बस बाहर जाना है थोड़ा सा, आके डिनर भी बनाना है, डिनर में परवल आलू की सब्जी और पराठे या रोटी। एक्चुअली ना मेरे घर में शाम को पराठे ही खाए जाते हैं, मेरे हस्बैंड हैं शाम को रोटी नहीं खाते हैं, उन्हें पराठे ही चाहिए होते हैं। मैं अपने लिए रोटी बना लेती हूँ, पराठे अच्छे लगते हैं बट अच्छे लगते हैं मुझे, बट इस समय रोटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप लोगों के साथ में सब्जी भी शेयर करूंगी। और परवल आलू सब्जी तो वैसे भी हम लोग के घर में सबको बहुत पसंद है, बेटे को भी पसंद है, वैसे वाली भी पसंद है और सूखी भी पसंद है, दोनों तरह की पसंद है। देखती हूँ क्या लेके आती हूँ, आप लोगों के साथ में क्या शेयर करती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ बाद में। चलो मैं वापस आ गई हूँ और डिनर की तैयारी करने लग गई हूँ। मुझे सब्जी पराठे बनाने थे बट ये बोले कि जीरे वाले नमकीन पराठे बना दो, और बच्चे का भी यही मन था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं अब यही बना देती हूँ। तो मैंने आटे में लिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा इसमें मैं रिफाइंड ऑयल या घी, आप जो भी डालना पसंद करते हो वो डालिएगा, मैंने रिफाइंड ऑयल डाला हुआ था। और बस इसका अच्छा सा मैं डो लगा लूँगी पराठों के लिए। और मुझे मार्केट भी जाना था पर मैं मार्केट तो नहीं जा पाई, बट जहाँ मुझे किसी के घर जाना था तो वहाँ मैं चली गई थी। और बस वापसी में ना मुझे मेरी डेली वाली स्लीपर थी वो टूट गई थी, तो वो मैं बस ले पाई थी और कोई सामान नहीं ले पाई थी। अब दो तीन दिन बाद फिर से जाऊँगी, हर बार कहती हूँ फिर टाल देती हूँ, क्या करूं कुछ ऐसा हो ही जाता है फिर छूट जाता है। और ये देखिए मैं चौकोर पराठे बनाती हूँ, चार पर्थ वाले, और देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। और वैसे भी सब लोग कहते हैं ना कि मेरे हाथ के पराठे अच्छे बनते हैं, अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं, आप लोगों को बता रही हूँ। और पराठे की सेक भी बहुत अच्छी थी, देखिए पराठा बहुत अच्छा सिका हुआ है। और
इस तरह के पराठे ना मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। आप लोग में से किसको किसको पसंद है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और बस सिंपल सा डिनर हो गया था, क्योंकि आज बच्चे ने भी मुँह से कहा कि माँ मुझे वो जीरे वाला जो आप पराठा बनाती हो वो बनाना, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और हस्बैंड ने तो पहले ही कह दिया था कि आज ये वाले पराठे खाने का मन है। तो बस डिनर तैयार हो चुका है और अचार और पराठा बस। तो बस अपना ब्लॉग भी मैं यहीं से एंड करूंगी और मिलूंगी फिर नए ब्लॉग के साथ में, अच्छे सा ब्लॉग लेके आऊंगी। तो देखिए ये पराठा मैंने इसको प्लेट पे रखा और जैसे इसको फोल्ड किया तो आप देख सकते हैं पूरी परत इसकी अलग हो गई है। और इसी तरह का पराठा मेरे घर में पसंद किया जाता है। बाय बाय, राधे राधे।